खरगोन पुलिस ने महज 8 दिन में हत्या और लूट मामले का खुलासा करके आरोपियों को उनके मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है। दरअसल सनावत के सुभाष चौक इलाके में इबादुल्ला हक नामक व्यक्ति को कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी और आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। इसी कड़ी में सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई और घटना में लिप्त 6 लोगों का खुलासा किया। बताया जा रहा है कि खुद की दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति ने बदमाश आलिम पटेल को सूचना दी, जिसने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिसमें बाहर जिले के व्यक्ति की तलाश जारी है, जिसने मृतक पर गोली चलाई। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे ही वो अपनी दुकान से निकला है एक्टिवा में, उसको एक्सीडेंट करके टक्कर मार कर उसको गिरा कर और 2 गोली मार के उसकी हत्या की और उसके पास जो बैग था वो लूट कर चले गए। ये बहुत गंभीर घटना थी और तत्काल ही मौके पे हम सभी आ गए थे। आप और हम लोगों ने इसे चुनौती के रूप में लिया और रात में ही हम लोगों ने काफ़ी हद तक इसमें जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह प्राप्त करके इसको देखने में सफल हुए थे। और जो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में आया था कि इसमें 2 लोग शामिल हैं, और जैसे ही वो अपनी दुकान से बाहर निकलता है और सीधा उसको टक्कर मार के घटना घटित की थी। हम लोगों ने इसके लिए कई टीमें बनाई जिसमें आसपास के थाना प्रभारी भी शामिल थे। एडिशनल एसपी देहात जो है यहाँ पे उस दिन से ही कैंप किए हुए और आज दिनांक तक ही कैंप किए हुए। एसडीओपी बढ़वा इसमें थे और टीआई बढ़वा, सनावत, बेड़िया और भिगन गांव, साथ में साइबर की टीम और उप निरीक्षक जैतापुरा आदि भी यहां पर उपस्थित थे। सीनियर अधिकारी भी यहां पर, टीआई सर भी यहां पर घटने के सुपरविजन के लिए आए थे। हम सब ने सभी कड़ी तक कड़ी मिलाए, पैसेंस के साथ पुलिस ने काम किया और हमने अपने मुखबिर तंत्र को चारों तरफ फैलाया, साथ में जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका भी सहारा लिया। इन सबको जोड़ के हम लोगों ने देखा और हमें कुछ सुराग लगे, साथ में हमें इंफॉर्मेशन भी मिली कि स्थानीय लोग कुछ बाहरी लोगों के साथ देखे गए, उनके नाम हमें मिले। हमने जब उनसे पूछताछ किया तो ये महत्वपूर्ण चीज़ हमारे सामने आई कि ये गैरेज में काम करने वाला कादर नामक लड़का है, जिसकी गतिविधियाँ थोड़ी संदिग्ध भी है और उसको देखा गया है। फिर हमने जब उनसे पूछताछ की तो पूरी कहानी हमारे सामने आ गई है। हमने उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कुछ लोग अभी ट्रेस नहीं हो पाए हैं कि कहाँ हैं वो लोग। हमें उम्मीद है कि हम उन सब की भी गिरफ्तारी कर लेंगे और जो भी लिखा गया सामान है वो भी बरामद कर लेंगे। सर, कुल कितना आरोपी हैं बाहर? मैं पूरा सिलसिला बता रहा चाहता हूँ कि इसमें काफ़ी दिनों से ये योजना बनाया जा रहा था जो लुटेरे हैं, और उसमें स्थानीय लोगों का भी इसमें हाथ था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक कारीगर का भी नाम सामने आया है, जिसने ही उसने टिप दिया था कि ये रेगुलर जो है सोने के आभूषण के साथ कुछ पैसा भी रहता है और रेगुलर अपनी दुकान बंद करके या। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।